पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में 5 वर्ष तक के 3.80 करोड़ बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो रोधी ड्रॉप पिलाई जाएगी। इतने बच्चों को बीमारी से सुरक्षा कवर देने के लिए 1.10 लाख बूथ बनाए गए हैं, साथ ही 76,000 सचल टीमें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बच्चों नवजात तान्या तिवारी, मनीषा गुप्ता, प्रमिला, 4 वर्षीय मोबशीरा फातिमा व 2 वर्षीय वैदिक कसौधन को अपने हाथों से पोलियोरोधी ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इन बच्चों को खूब दुलार किया और उन्हें उपहार में खिलौने व चॉकलेट प्रदान किए। बच्चों के अभिभावकों को वह उनकी बेहतर देखभाल के लिए समझाते भी दिखे, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बच्चों को अपने हाथों से पोलियो ड्रॉप पिलाकर शुभारंभ किया तथा पल्स पोलियो अभियान के तहत गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम 8,80,000 घरों तक पहुंचेगी और 6,83,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद 21 मार्च से 25 मार्च तक कैंप लगाकर घर घर जाकर सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। वहीं 28 मार्च से बी टीम काम करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आयुष्मान अभियान के बाद
निश्चित ही ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगा और हम बहुत ही बेहतर करके दिखाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम लोगों के परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों से ये पल्स पोलियो का ओरल ड्राप पिलाने का जो टीकाकरण का महाअभियान है प्रारंभ किया गया है। जनपद में कुल 8,80,194 जो हैं घर हैं, जिसमें 6,80,000 बच्चे हैं और कुल बूथों की संख्या 2,162 है। घर घर भ्रमण करने वाली टीमें जो हैं 1,500 हैं और पर्यवेक्षकों की संख्या 518 है। ट्रांजिट टीमों की संख्या 290 है। जनपद में मोबाइल टीमों की संख्या 64 है। ये आज बूथों पर पिला करके कल से घर घर जा करके चिन्हित बच्चों को दवा पिलाएंगी और एक सप्ताह में हम पूरे प्रदेश को चिन्हित कर रहे हैं। सर गांव में क्या व्यवस्था? गांव में हमारे बच्चे घर गांव में आज बूथ लगा हुआ है, कल से घर घर जा करके दवा पिलाई जाएगी।